सो हाय एवरीवन, तो कैसा आप सभी, आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, काफी टाइम के बाद तुम्हारा भाई फिर से वापस आ चुका है नई वीडियो लेके। बट इस वाले वीडियो में मैं ना ही कोई अपडेट लेके आया हूँ, ना ही कोई चीज बताने के लिए आया हूँ, बस तुम्हारे भाई को थोड़ा सा हेल्प का जरूरत है जो कि आप लोग को करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं आप सभी को भी इस चीज के बारे में बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग के साथ अगर कभी फ्रॉड हो जाए, आप लोग कैसे इन चीजों को ख्याल रखो और किन किन बातों को ध्यान रखते हुए चलना है ताकि आप लोग फ्रॉड में ना ही फंसो। भाई मैंने फंसा नहीं, ठीक है। आप लोग बोले कैसा भाई आप कैसे फंस गए, बट मैं फंसा नहीं, ठीक है। बस एक ट्रस्ट नाम का जो चीज आ जाता है ना, वही बीच में आ गया। जैसे बाय चांस अगर मान के चलो, अगर आप किसी पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो, जैसे मैं किसी, मेरा एक दोस्त है, मैं उस पर काफी ज्यादा ट्रस्ट करता था, उसकी बात वो जो मुझे कहा वो तो मैं मान लिया कि चलो भाई उसने मुझे बताया तो कुछ गलत ही नहीं बताएगा, ठीक है। जैसे आपका कोई दोस्त है, आप भी तो किसी पे ट्रस्ट करते हो, वो चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो चाहे वो आपका दोस्त हो, है ना। अगर आप इन दो मतलब किसी पे भी अगर आप ट्रस्ट करते हो तो वो जो बोलेंगे वो तो एक बर्मा का लकीर हो जाता है जो बीच में पार दिया जाता है, मतलब अपने लैंग्वेज में ही बता रहा हूँ। तो जो बर्मा का जो लकीर हो जाता है वो बीच में आ जाता है, तो उसके आगे तो आप लोग कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो कि भाई देखो ये मेरे भलाई के लिए ही बता रहा है चाहे जो भी बात हो, है ना। तो वही बात हो जाता है बीच में कि अगर ट्रस्ट बीच में आ जाए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए कर तो बहुत कुछ सकते हैं बट हम लोग एक बंधन में बन जाते हैं, ये इस बात के बंधन में, भाई ये मुझे जो भी चीज़ बता रहा है ये गलत नहीं बता रहा है ना। तो वही बात हुआ मेरे साथ भी, ठीक है। तुम्हारे भाई के साथ हुआ क्या, जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं मतलब रिलायंस ट्रेंड्स में जॉब करता हूँ, ठीक है। आप लोग को साइड पे स्क्रीन पे थोड़ा बहुत फोटोज मैं लगा दूंगा जो कि आप लोग देख सकते हो, तो आप लोग को पता चल जाएगा इस वाले यूनिफॉर्म से, क्योंकि ये ट्रेंड्स का ही ड्रेस है ना। तो मैं रिलायंस ट्रेंड्स में जॉब करता हूँ, ठीक है। बट वहाँ पे मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है जो कि मेरे साथ ही रहता है, मतलब एनी टाइम, मतलब हमेशा एक दूसरे से हर एक बात हम लोग शेयर करते हैं, मतलब जो भी होता है प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम को हम दोनों मिलकर शॉर्ट आउट करते हैं ना। तो यही हुआ। बट इंसान को किसी भी चीज़ में स्विच करना चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, अगर यहाँ से अच्छा अगर मुझे कहीं पे काम मिले तो मैं क्यों ना जाऊँ, है ना। तो मेरा दोस्त ने मुझे बताया कि एक जगह पे जॉब खाली है तो वहाँ पे जाना चाहोगे, तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल जाना चाहूँगा, अगर यहाँ से अच्छा सैलरी होगा तो मैं क्यों नहीं जाऊँगा, है ना। तो मैंने उसे हाँ बोल दिया, बट उसने मुझे बताया कि वहाँ पे 10,000 rupees पहले पे करना होगा, है ना। तो मैं तो शॉक में आ गया कि भाई अगर कोई बंदा अगर जॉब दे रहा है तो वो पहले मुझसे पैसा क्यों लेगा, है ना। वो भी मतलब टेंडर वेंडर वगैरह जो होता है रेलवे में, उसके मतलब थ्रू मुझे उसने मुझे बताया, है ना। तो मैंने बोला चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दे देंगे। बट मैं सोच रहा था कि भाई देखो ऐसा भी होता है कि फ्रॉड भी होता है उस चीज़ में, ठीक है। बट उसने मुझे बताया कि नहीं, मेरे रिलेशन का है, रिलेटिव है, तो भाई तो मैं तो विश्वास करता था उस पर, तो हो सकता है तो वो गलत मुझे नहीं ही बताया। तो उसने मुझे बताया कि 10,000 rupees वहाँ पे पहले तुझे पे करना होगा। तो मैंने बोला चलो 10,000 rupees मैं पे कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। बट मेरे दिमाग में एक चीज़, पता नहीं कहाँ से अचानक से मेरे दिमाग में अटैक हुआ कि भाई अगर 10,000 rupees देता हूँ, नहीं मैं उसे जानता हूँ, चलो मैं इस पर भरोसा तो कर रहा हूँ, बट वो बंदा कैसा होगा नहीं होगा, मैं उसको खुल के तो नहीं बता सकता कि भाई तुम्हारा आदमी है, मतलब वो मुझे जब बता ही दिया कि वो मेरे रिलेटिव है तो मैं तो गलत नहीं बोल सकता, चाह कर भी मैं कुछ बोल नहीं सकता था, है ना। अब किसी इंसान के ऊपर अगर आप काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो तो आप उसके बारे में कुछ तो गलत बोल नहीं सकते, है ना। तो मैंने भी कुछ नहीं बोला। बट हुआ क्या, मैं आपको बता रहा हूँ, वो बंदा जो है ना, उसको मैंने उसके जब मैंने पे कर दिया, मतलब 10,000 rupees मैंने पे नहीं किए, मैंने अप्रॉक्स 3,000 के अप्रॉक्स में मैंने पे किया था, है ना, बस 3,000। मैं यहाँ पे अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में अभी शेयर करूँगा आप लोगों से थोड़ी देर में। तो मैंने 3,000 rupees वहाँ उसको मैंने पे किया, ठीक है, जो कि आप लोगों को मैं यहाँ पे लगा के दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं उसका व्हाट्सअप का स्क्रीन शॉट यहाँ पे लगा रहा हूँ तो आप लोग देख लो। तो 3,000 rupees मैंने उसको पे किया, बट उस बंदे ने उसके बाद कॉल पिक करना, मतलब 3 दिन तक उससे मेरी बात हुई, है ना। उसको कल मैंने कॉल किया कि सर क्या हुआ, मतलब आपने मुझे बताया नहीं। उसने मुझे बताया कि होता क्या है ना कि ट्रैवल में, मतलब जो जॉब है आपको ट्रेनिंग में 6 दिन रहना पड़ेगा। तो मैंने बोला चलो कोई दिक्कत नहीं, ट्रेनिंग में रह लेंगे, क्या दिक्कत है। उसने मुझे बताया कि ये जो पैसा आपसे लिया जा रहा है वो टिकट के लिए लिया जा रहा है, कि मतलब इसका टिकट कटवा के और आपको हम जो भेजेंगे ट्रेन में तो वो तो फ्री में तो नहीं भेजेंगे। बट मेरे दिमाग में एक चीज़ दौड़ रहा था कि भैया जब तू मुझे रेलवे में जॉब दे रहा है तो उसमें तो भाई हर चीज़ तो फ्री होनी चाहिए, क्योंकि मैं उसका एम्प्लॉय हूँ ना। अगर आप मुझे ज्वाइन करते हो, मतलब करवाते हो, तो भाई मैं तो वहाँ का एम्प्लॉय हो जाऊँगा, तो भाई वो तो फ्री होनी चाहिए ना। और ये बंदा को जब मैं 10,000 की जगह मैं 3,000 पे किया तो उसने बोला कि चलो ठीक है। तो भाई देखो अगर किसी को अगर जॉब देना होता है ना तो बंदा डायरेक्टली बोलेगा या तो मुझे भाई तू 10,000 rupees दे दे या फिर 3,000 में काम नहीं चलेगा, करना है तो करो, नहीं तो काफ़ी सारे बंदे मेरे पास आते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है, बट उसने मुझे 3,000 ले लिए और उसने बोला कि ठीक है देखते हैं। बट मैं समझ रहा था, बट यहाँ पे बात क्या आ जाती थी, ट्रस्ट जो बीच में होता है ना, ट्रस्ट, वही बात आ जा रही थी, चलो कोई दिक्कत नहीं है। बट उस बंदे ने किया क्या, 4 दिन तक उससे, 3 दिन तक उससे मेरी बातें हुई, ठीक है। एक दिन उसने बोला कि ठीक है मैं बता रहा हूँ और बंदे को मैं जुगाड़ कर रहा हूँ, वो बंदा भी होंगे, रेडी होंगे तब ना, तुमको ट्रेनिंग में तो अकेले भेज नहीं सकते। मैंने बोला चलो ठीक है। फिर दूसरे दिन मैंने फ़ोन किया,
तो अरे अभी नहीं हुआ है, हो जाएगा तो मैं तुम्हें खुद कॉल कर लूँगा, तुम उधर से मुझे बार बार फ़ोन करके परेशान मत किया करो। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। फिर तीसरे दिन मैंने उसको फ़ोन नहीं किया, ठीक है। और जब चौथे दिन मैंने उसे व्हाट्सएप पे मैसेज किया ना, तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं, ठीक है। उसके बाद जब मैं अपना नंबर देख रहा हूँ तो मेरा नंबर ब्लॉक है, व्हाट्सएप पे ब्लॉक है, जैसा कि आप सभी को मैं दिखा रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे साइड में आप लोग को दिख रहा होगा। तो उसने मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया और मैंने उसे, भाई साहब आप लोग मानोगे नहीं, 25 नंबर से मैंने उसको फ़ोन किया, बट वो बंदा किसी नंबर से फ़ोन नहीं उठाया। और फ़ोन नहीं उठाने के बाद तुरंत सारे नंबर को ब्लॉक भी करते गया, मतलब जैसे एक नंबर से फ़ोन जा रहा है तुरंत ब्लॉक किया, मतलब कॉल रिसीव नहीं किया तुरंत ब्लॉक किया, रिसीव नहीं किया तुरंत ब्लॉक किया, रिसीव नहीं किया तुरंत ब्लॉक किया। और व्हाट्सएप पे भी मैं उसे साथ ही साथ मैसेज भी कर रहा हूँ, बट मैसेज का कोई रिस्पॉन्स नहीं, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा साइड में, है ना। वो उसने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो मैंने उसको बोला कि भाई देखो, अगर आप पैसा नहीं दोगे तो मैं उसके ऊपर एक्शन लूँगा। भाई एक्शन ले भी तो ले क्या, आप ही मुझे बताओ। मैंने बोला ठीक है भाई, सोशल मीडिया पे इसको शेयर करते, मेरा एक यूट्यूब चैनल है मैं उस पर शेयर करता हूँ, तो भाई इसके अकॉर्डिंग मुझे ये वाली वीडियो बनानी पड़ी, तो आप लोग को हेल्प करना पड़ेगा, या फिर आप लोग नीचे मुझे कमेंट करके बताओ कि इसके ऊपर क्या करना चाहिए, है ना। बट मैं इसका नंबर यहाँ पे आप सभी को शेयर कर रहा हूँ, इसका दो नंबर मेरे पास है अभी अवेलेबल, तो दोनों नंबर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग जाओ और इसे इतना फ़ोन करो कि ये परेशान हो जाए, कि सोशल मीडिया का पावर इसे पता चले कि भाई सोशल मीडिया में कितना पावर होता है, और किसी बंदे के साथ फ्रॉड करने से पहले सोच ले, ठीक है। ऐसा तो काफ़ी सारे बंदे के साथ करता होगा, जब मेरे साथ तो भाई देखो मैं तो समझ रहा था, बट बीच में ट्रस्ट आ जाता जो मैंने आपको बताया, है ना। तो भाई ऐसा तो बहुत सारे बंदे के साथ वो कर रहा होगा, मेरे साथ ही सिर्फ नहीं किया है, बहुत सारे बंदे के भी साथ ऐसा कर रहा होगा, है ना। तो आप लोग जाओ इसको इतना फ़ोन करो कि परेशान हो जाएगी। भाई व्हाट्सएप पे जो लिखना है लिखो, मतलब हिसाब से, बट इसे बोलो कि पैसा वापस करेगा, अगर ना करे तो आप लोग देखो भाई मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी अगर आप लोग से अगर कोई बंदा डायरेक्टली अगर बोलता है पैसा देके जॉब दूंगा, तो ऐसा काम आप लोग बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। बट आप लोग बोलोगे भाई तुम खुद ऐसा कर दिया तो मुझे क्या बता रहा है, बट मैं आप सभी को बिल्कुल सही बता रहा हूँ, मैं तो भाई ऐसे ही मजबूरी में मुझे करना पड़ा है ना, क्योंकि भाई मुझे काम का काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत था, बट मैं बीच में एक मेरा दोस्त था तो उसकी बातों में आके मैंने दे दिया, है ना। तो उसने मुझे बताया कि रिलेटिव का बंदा था, तो आप लोग का ये भी क्वेश्चन होगा कि भाई जब वो रिलेटिव का बंदा था तो उसने तुम्हें ऐसा क्यों हुआ, और तुम उसे तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। बट दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि बाद में पता चला, और बाद में उसने मुझे बताया कि भाई वो एक शादी में आए थे, मतलब किसी ने इनवाइट किया था, तो वहाँ पे वो बंदा आया था और वहीं पे मतलब दोस्ती हुई थी, मतलब मिला था जो उसके फूफा जी होते हैं ना, उनसे मतलब उनका दोस्ती हुआ था, ठीक है। तो उन्हीं में नंबर, अब उनके फूफा जी जो कॉल कर रहे, तो उनका फूफा जी का भी कॉल उल रिसीव रिसीव नहीं करा, उनका भी नंबर उसने ब्लॉक मार दिया, ठीक है। मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर लिया, तब लास्ट में मैं वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो भाई देखो ऐसे तो मैं पागल होने की मैं डायरेक्टली आके वीडियो बना के उसके खिलाफ आके मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूँ, है ना। तो देख लो भाई आप लोग को क्या करना है, आप लोग को सपोर्ट करना है, ठीक है। तो आप लोग से मैं यही कहूँगा कि आप लोग भी जो है सो फ्रॉड से बचे, ऐसे ऐसे फ्रॉड से जैसे मेरे साथ हुआ, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप सबके भी साथ हो, तो इसलिए मैं ये वाली प्रॉपर वीडियो बना के आप सभी के सामने ला रहा हूँ, ठीक है। लो भाई आप लोग को क्या करना है, हेल्प करो, है ना, आप लोग का सपोर्ट का काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस वीडियो को जितना हो सकता है आप लोग शेयर करो दबा के, है ना, और जितने लोगों के पास जितना फ़ोन जाए वो परेशान हो जाए, बस मैं यही चाहता हूँ। तो प्लीज़ आप सबसे निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग इस वाले वीडियोज़ को दबा के शेयर करो और दबा के लाइक करो, लाइक अगर नहीं करोगे तो चलेगा, ऐसे ही मतलब निकल गया भाई, देखो वीडियो बनाता रहता हूँ शॉर्ट चैनल पे तो भाई बोलना पड़ता है ना, तो इसलिए भाई निकल गया, सॉरी उसके लिए। बट आप लोग इसे जितना हो सकता है आप लोग उतना इस वाले वीडियो को शेयर करो और वो बंदा परेशान हो जाए, ठीक है। तो चलो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और हाँ वीडियो को शेयर करना मत भूलना, ठीक है, बाय।